अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्वोशेंट वा को डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने एक्सपोनेंट की कुछ बेसिक डिफिनीशंस की थी और उसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज ओवरऑल सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 13 हो रहा है और इस चैप्टर का यानी जो चैप्टर नंबर 4 है एक्सपोनेंट्स, इसका दूसरा लेक्चर है। अगर इससे पहले लेक्चर आप लोग नहीं देख चुके हैं तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उस लेक्चर को समझने के बाद ही आप लोग इस लेक्चर को सही तरह से समझ पाएंगे, वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसको समझें, मतलब कि वो ना देखें तो फिर मुश्किल है कि इनको समझ पाएंगे। तो आज क्वेश्चन ला है, इस पर जो कुछ एग्जांपल है मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं और इन एग्जांपल के सलूशन के बाद उम्मीद करता हूं कि आप तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर जो पहला एग्जांपल है उसमें है कि 2/5 टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2/5 टू द पावर ऑफ 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने मुख्तसर तरीन फॉर्म में लेकर आना है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2/5 टू द पावर ऑफ 7, इसका क्या मतलब है? तो इसकी मतलब समझाने के लिए आप लोग यूं कर सकते हैं कि इसको आप 7 टाइम्स लिखिए, मतलब 2/5 इस तरह 7 टाइम्स लिखिए। तो इसका एक मतलब ये है, यानी इसको हम एक तरफ एक इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको यूं भी कर सकते हैं कि ये जो 2 है इस पर ये 7 अलग अप्लाई कर लें और इस 5 पर अलग, यानी 5 टू द पावर ऑफ 7, और इनको अब लिख लीजिए 2 यानी 7 टाइम्स इस 2 को लिख लें। तो इस तरह से इनको लिखेंगे और फिर इनको लिखेंगे 5 5 5। लेकिन ये तो एक अलग सा टॉपिक है, इस पे हम पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं पहले लेक्चर में। लेकिन अब यहाँ पर हमारा टारगेट ये एरिया नहीं है, बल्कि हमने अब इन दोनों को एट अ टाइम एवेल्युएट करना है कि यहाँ पर क्या कर लेंगे हम। तो जैसा कि यहाँ पर बेसिस सेम है, यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, और इसके जो एक्सपोनेंट्स है 7 और 3, इन दोनों में फर्क है, ये एक जैसे नहीं है। तो जब बेसिस सेम हो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब बेसिस सेम हो, जैसा कि यहाँ पर सेम बेसिस हैं कि 2/5 टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2/5 टू द पावर ऑफ 3, मतलब सेम बेसिस हैं। तो इसकी सलूशन के लिए आप लोग ऐसा कर लेंगे कि ये 2/5 टू द पावर ऑफ 7 इस तरह लिखिए, और यहाँ से जो ये वाला टर्म है, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है सारा का सारा, इसको हमने ऊपर लेके जाना होता है। लेकिन इस तरह के जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, इसका जो एक्सपोनेंट है 3, ये अगर माइनस हो तो इसकी साइन प्लस बन जाती है, और जब प्लस हो तो पे माइनस बन जाएगा। ये प्लस 3 है तो यहाँ पर ये माइनस 3 बन जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर बेसिस सेम है, तो हम इसी पिछले लेक्चर में ये सिखा चुके हैं कि ये पेर कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पेर इस इन दोनों में से इन दोनों बेसिस में से एक बेस लेते और इसके जो पावर्स है या एक्सपोनेंट है इनको हम प्लस कर लेते। तो पेर जब इनको हम प्लस कर लेंगे तो चूंकि यहाँ पे माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस है, तो इससे बन जाएगा माइनस और इससे बन जाएगा 2/5 टू द पावर ऑफ 4, और यही यही हमारा
टारगेट था कि हम इनको इस तरह के फॉर्म में कैसे लिख लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी बातें हैं। इसी तरह जो ये सेकंड वाला है कि 5/2, तो यहाँ पर जो 5/2 है ये अपनी जगह पर रह जाएगा, और ये जो 5/5 है यहाँ पर जो ये 5 है यानी ये सारा टर्म ऊपर जाएगा, जब जाएगा तो ये जो +5 है ये -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे, और जब हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 5^-3। लेकिन यहाँ पर एक और बात जहन में रखिए कि हमने कभी भी पावर को यानी जो आंसर हो हमारे पास उसको माइनस की पावर में नहीं लेकेंगे, बल्कि प्लस की पावर में लेकेंगे। तो अब इसको हम प्लस कैसे बनाएंगे? अब इसको प्लस बनाने के लिए यानी पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इस यानी जो -3 है, 5^-3 है, इनको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आए तो अब ये बन जाएगा 5/5/3, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर। इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर यू भी लिख सकते हैं कि ये जो 5 है इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी इस तरह के 5 × 5 × 5, तो इससे क्या आ जाता है 125। तो इस तरह इसको भी लिख सकते हैं कि 1/125, ये या फिर ये आंसर। इसके बाद जो एक और एग्जांपल है, बिल्कुल एक आसान सा एग्जांपल है, कोई मुश्किल बात यहाँ पर नहीं है। इसमें जस्ट नंबर की जगह पर इन्होंने अल्फाबेट को यूज किया है। मैं एक दफा क्वेश्चन भी लिखता हूँ, मुझे लग रहा है वहां पे लाइट की वजह से आप लोगों को वो नजर नहीं आ रहा है इसी तरह से। तो ये है कि 8^5 b^8 divided by a to the power of यहाँ पे 1 होता है, लेको ना लेको कोई मसला नहीं है, और b^3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी मतलब मुख्तसर तरीन फॉर्म में लेकर आना है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि उन टर्म्स पर बहुत तवज्जह देंगे जो जो सेम हो, यानी जिनके बेसिस सेम हैं। अब आप लोग सिंपली ये कीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर में जितने भी डिजिट्स यहाँ पे तो अल्फाबेट्स है ये है, ये इनको ऊपर लेके जाएं और इनके जो पावर्स है इनका साइन चेंज कीजिए, प्लस से माइनस कीजिए। तो यहाँ पर 8^5 b^8 यहाँ पे हो जाएगा 8^-1 और b^-3। अब यहाँ पर जो सेम बेसिस है उनको एक जगह पे लिखिए इस तरह से, और अब जो पावर्स हैं ये ऐड कीजिए इसके, और ये डायरेक्ट नहीं इस तरह, और फिर b का जो है वो यूं लिख लीजिए। और अब यहाँ पर a^5-1 b^ ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि एक दफा प्लस और फिर यहाँ पर माइनस, और b^8-3 और यहाँ पे a^4 और b^5, ये हमारा आंसर है। अब और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, और ये बात ध्यान में रखें कि जो आंसर है वो हमने हमेशा पॉजिटिव फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो एक और एग्जाम्पल है कि एवलुएट, इनको एवलुएट करना है 7/4 to the power of 2। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, या डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि ये 2 है मतलब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई है, इस तरह से कीजिए। और या फिर क्या कर लें कि इन पर यानी 7^2 इन पे अलग अलग ये अप्लाई कीजिए। अब इसका मतलब है कि 7/7 और इसका मतलब है 4/4, इस और इन दोनों का मीनिंग एक जैसा है, तो इसे 49/16 और यही हमारा आंसर है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसी तरह छोड़ भी सकते हैं। तो बहुत आसान सी बातें हैं सारी की सारी, कोई मुश्किल बात यहाँ पर नहीं है। एक और है कि 5/3 to the power of 3,
अब इसको भी जस्ट 5 to power 3, 3 power 3 और 5.5, डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, नॉट पॉइंट, यानी डिसिमल का मतलब नहीं है। यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ये, और यहाँ से 27, यही आप लोगों का आंसर। और यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है 2/5 के साथ वो चेंज है, माइनस है प्लस की बजाय, तो इस वजह से कुछ अलग सा हो सकता है यहाँ पर। तो इसके ऊपर क्या है, 4। अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 4 टाइम्स इसको लिखना है, किस तक, कितने टाइम, 4 टाइम, माइनस 2/5, माइनस 2/5, माइनस 2/5 और माइनस 2/5। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने साइन कौन सा रखना पड़ेगा, माइनस के प्लस, ये तवज्जह की देने की बात है। इसके लिए आप लोग ये बात जहन में रखें कि जब एक नंबर के साथ माइनस का साइन हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि -2, अब इसके ऊपर जो पावर होता है, अगर वो पावर ऑड नंबर हो तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस, और यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, यानी मतलब माइनस के साथ इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही -2 है, ये -2 सिर्फ नहीं है, जितने भी नंबर है सारों के लिए मैं लिख रहा हूँ, या इसका जो पावर है वो इवन नंबर हो, तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा हमेशा, ये बात ध्यान में रख लें। ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि यहाँ पे देखो ये क्या है, इवन है, तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो ये इवन जब भी आ जाएंगे तो इनका जो आंसर है वो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा, और 2 × 2 × 2 × 2 / 5 × 5 = 5, तो अब यहाँ पर 2 × 2 = 4, यानी 16, और नीचे आ जाएगा 125 × 5 = 625, ये, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, और प्लस यानी पॉजिटिव होगा, नॉट नेगेटिव। तो बस इतनी ही बातें थी आज के लेक्चर में। अब इन बातों पर आप लोग इंशाल्लाह ताला जो एक्सरसाइज 4.2 है वो आसानी के साथ कर पाएंगे। अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।